हेलो एवरीवन, मैं आलोक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रो फाउंडर में। कल के लेक्चर में हमने एशिया महाद्वीप के दो मेजर फिजिकल रीजन्स को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। एशिया महाद्वीप के थर्ड मेजर फिजिकल रीजन की बात की जाए तो ये है मध्यवर्ती पर्वतीय श्रेणियाँ अर्थात सेंट्रल माउंटेन रेंजेस। गाइस, सेंट्रल माउंटेन रेंजेस एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। पामीर गांठ व अर्मेनियन गांठ एशिया की दो प्रमुख पर्वतीय गांठ हैं। पर्वतीय गांठ की बात करें तो ये एक ऐसा जंक्शन होता है जिसमें कई दिशाओं से पर्वत श्रृंखलाएँ आकर मिलती हैं, या दूसरे शब्दों में जिससे कई दिशाओं में पर्वत श्रृंखलाएँ निकलती हैं या रेडिएट होती हैं। पामीर गांठ मध्य एशिया के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो पामीर गांठ ताजिकिस्तान में स्थित है। गाइस, एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में स्थान वाले चार ऑप्शन दे सकता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे कि पामीर गांठ ताजिकिस्तान में स्थित है। पामीर पर्वतीय गांठ से पांच पर्वतमालाएं निकलती हैं। पश्चिम दिशा में पामीर से हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला निकलती है, यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान व ताजिकिस्तान में विस्तृत है। पामीर नॉर्थ से दक्षिण दिशा में सुलेमान व किरथर पहाड़ियां निकलती हैं। सुलेमान अफगानिस्तान व पाकिस्तान में स्थित है, तथा किरथर पहाड़ियाँ जो सुलेमान के सदर्न एक्सटेंशन हैं पाकिस्तान में स्थित हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में पामीर नॉर्थ से काराकोरम रेंज निकली है, यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चाइना व ताजिकिस्तान में विस्तृत है। काराकोरम रेंज की बात करें तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। गाइस, जब मैं आपको भारत के भूगोल में हिमालय चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ट्रांस हिमालय के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से भी प्राचीन समय की है। ट्रांस हिमालय में तीन पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज व जास्कर रेंज। गाइस, पामीर नॉर्थ से पूर्व दिशा में कुनलुन शान पर्वत रेंज है, ये तिब्बत में स्थित है। पामीर नॉर्थ से उत्तर पूर्व दिशा में त्यान शान पर्वत श्रृंखला निकली है। त्यान शान को माउंटेन्स ऑफ हेवन भी कहा जाता है। त्यान शान रेंज चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान व उज्बेकिस्तान में विस्तृत है। अर्मेनियन गांठ की बात करें तो अर्मेनियन गांठ पश्चिमी एशिया अर्थात मिडिल ईस्ट के उत्तर में स्थित है। आप सभी मैप पर इसको लोकेट कीजिए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि अर्मेनियन गांठ अर्मेनिया में स्थित है। गाइस, अर्मेनियन गांठ से भी कई दिशाओं में पर्वत श्रृंखलाएँ निकलती हैं। अर्मेनियन गांठ से उत्तर दिशा में कॉकेशस माउंटेन निकले हैं। कॉकेशस माउंटेन एशिया व यूरोप की सीमा पर स्थित हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में पॉन्टिंग रेंज है, यह तुर्की में स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में टॉरस माउंटेन्स हैं, यह भी तुर्की में स्थित हैं। अर्मेनियन गांठ से दक्षिण दिशा में जैग्रोस पर्वत निकलते हैं, यह ईरान और इराक की सीमा पर स्थित हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में एल्बुज माउंटेन्स हैं, एल्बुज माउंटेन्स ईरान में स्थित हैं। गाइस, इन सभी को आप एशिया के फिजिकल मैप पर लोकेट कीजिए। एशिया महाद्वीप का चौथा मेजर फिजिकल रीजन है मध्यवर्ती व दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिणी एशिया महाद्वीप का चौथा मेजर फिजिकल रीजन है मध्यवर्ती व दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार अर्थात द सेंट्रल एंड सदर्न पेनिनसुलर प्लेटू। का प्रायद्वीप या पेनिनसुला की बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो तीन ओर से समुद्र या जल से घिरा होता है। गाइस, पठार की बात करें तो ज्योग्राफी में हमने मैदान, पठार और पर्वतों के बारे में पढ़ा है। मैदान सामान्यतः समतल और सपाट क्षेत्र होते हैं, जबकि पठार मैदानों की अपेक्षा ऊंचे स्थानों को कहा जाता है जो कहीं कहीं कटे छटे व ऊबड़ खाबड़ भी होते हैं।
गाइस, मध्यवर्ती व दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती व दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित हैं। इसमें तिब्बत का पठार, अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, शान का पठार व यूनान का पठार शामिल हैं। बात करें तिब्बत के पठार की, तो ये हिमालय व कुनलुन से घिरा हुआ विश्व का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा पठार है। अरब पेनिनसुला की बात की जाए, तो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में ये बताया है कि अरब पेनिनसुला में कुल 9 देश आते हैं। अरब पेनिनसुला एक सूखा व रेगिस्तानी क्षेत्र है। हम सभी जानते हैं कि अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है। भारतीय प्रायद्वीप की बात करें, तो आप मैप में देखा होगा कि भारत का दक्षिणी क्षेत्र या दक्षिण भारत एक प्रायद्वीप है। इसके एक ओर अरब सागर है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारतीय प्रायद्वीप के बारे में मैं आपको जब भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तब विस्तार से जानकारी दूंगा। अभी के लिए आप याद रखिए। नेक्स्ट है शान का पठार व यूनान का पठार। शान का पठार म्यांमार में स्थित है, जबकि यूनान का पठार चीन में स्थित है। गाइस, आप इसको यूनान अर्थात ग्रीस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इन दोनों को मिलाकर इंडो चाइना कहा जाता है। यह क्षेत्र सालवीन, मीकांग व जीजियांग नदियों द्वारा सिंचित है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सालवीन नदी म्यांमार में बहती है, मीकांग नदी 5 देशों से होकर गुजरती है। बात करें मीकांग नदी की, तो मीकांग नदी निम्नलिखित 5 देशों से होकर गुजरती है: चाइना, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। गाइस, आप याद रखिएगा कि कंबोडिया की राजधानी नोम पेन मीकांग नदी के तट पर स्थित है। गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए एशिया महाद्वीप के 2 मेजर फिजिकल रीजन्स अर्थात डेजर्ट्स व आर्किपेलेगोज की बात करेंगे। गाइस, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।